बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर 14 अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हमने टेक्स्ट बुक का कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, लेकिन उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो इंतहाई अहम सप्लीमेंट्री टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिजल्ट मैग्नीट्यूड फार्मूला फॉर रिजल्टेंट। हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा था वो ग्राफिकल मेथड था रिजल्टेंट का। आज जो हम फार्मूला पढ़े हैं वो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फार्मूला पढ़े हैं। इसके हमने 3 केसेस करने हैं और इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड में इसके एमसीक्यू सेट होते हैं, वो आज हम इसके डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फार्मूला था, वो हमारे पास गिवन होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास, इसी तरह बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, उसके बाद जो एंगल है हमारे पास ये ए और बी के दरमियान होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमें फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने इसको पिक करना है, उसके केसेस ड्रॉ करने। अब हमने देखना है कि हमारे पास 3 स्पेशल केसेस होंगे और उसके बाद पे हम देखेंगे कि रिजल्टेंट फार्मूला किसी तरह भी गिवन हो तो हम कोई भी एमसीक्यूज उससे रिलेटेड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास केस 1 ये है, when vectors are parallel, जब पैरेलल होंगे तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 degree। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं r = a² + b² + 2ab cos 0। हमें पता है cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हम यहां पे पुट करते हैं a² + b² + 2ab 1, तो हमारे पास ये अंडर रूट आ जाएगा। अब यहां पे देखें a² + b² + 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो यहां पे हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या है a + b। इसका मतलब है जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हम कैसे देखते हैं, फिर एग्जांपल पे आते हैं। केस 2 हमारे पास ये है कि व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होंगे एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम इस एंगल में 180 पुट करते हैं थीटा में, तो हमारे पास क्या आएगा, r = a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री। और cos 180 क्या होता है, -1। जब cos 180 -1 होगा तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। तो जब -2ab आए, अब यहां पे देखें a² + b² - 2ab, तो ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो हम ये लिखते हैं a - b का स्क्वायर और अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास a - b आ गया। अब यहां पे देखें आप कि जब भी आपके पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, a - b। ये हमारे पास मिनिमम रिजल्टेंट होता है, ये हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा। केस 3 हमारे पास सिंपल सा है, जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, when vectors are perpendicular। जब परपेंडिकुलर होंगे तो जब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। 90 हम पुट करते हैं r = a² + b² + 2ab cos 90 डिग्री, और जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें cos 90 की क्या वैल्यू होती है, 0।
cos 90 हमारे पास क्या हो गया 0, तो जब हम 0 पुट करेंगे a square plus b square plus 2ab into 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई ये वाली, तो हमारे पास बचा क्या सिर्फ a square plus b square और under root। याद करें ये फार्मूला आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे या उनके कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जिनको हम नाम देते थे उनका मैग्नीट्यूड फार्मूला भी यही आता था कि दो वेक्टर्स का स्क्वायर करें और अंडर रूट लें। अब हमने देखना क्या है कि हमारे पास एक मैक्सिमम आंसर जब ऐड करने से आएगा, मिनिमम आंसर क्या होगा इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, और थर्ड जो इसका रिजल्टेंट है जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा वो इन रेंज के दरमियान आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम या मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान जो वैल्यूज आएंगी वो इसकी ये रिजल्टेंट की वैल्यू होंगी। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, या आपका जो एक्सरसाइज है वो 2.14 का ये आंसर अब मैं बताने लगा हूं, ये अब हमने देखना है थोड़ा सा। अब आप देखें वो लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्टेंट्स को देखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, उसको देखते हुए हमने ये एग्जांपल करनी है। वो कहता है टू फैक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, पिक द करेक्ट आंसर, हमने सही वाला आंसर उठाना है फ्रॉम गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इट इज ओनली वन ऑफ थ्री इज करेक्ट, सिर्फ एक ही आंसर क्यों ठीक है। वो कहता है कि हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है 60 न्यूटन और 35 न्यूटन है, हमने बताना है कि कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है। तो अब देखें हमारे पास, हम इसको सिंपल लिख लेते हैं, एक वेक्टर है ए, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 60 न्यूटन है, जो बी वेक्टर सपोज किया वो 35 न्यूटन है। अब हमारे पास ए वेक्टर की 60 न्यूटन आ गई, बी की 35, अब हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या होगा इनको ऐड करने से, a प्लस बी गया तो 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95 न्यूटन आ गया, फिर r इज इक्वल टू a माइनस b करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60 माइनस 35 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास 25, ये आपके पास आ गया 25। अब आपके पास जो रेंज है वो आपके पास क्या आ गई, रेंज आपके पास आ गई 25 मिनिमम से लेके 95। अब आप क्या करें, आप परपेंडिकुलर फार्मूले की वैल्यूज पुट करें, तो हम देखते हैं r इज इक्वल टू, जब आप 35 का स्क्वायर करेंगे फिर 60 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 69.9 आएगी। अब हमारे पास ये इतनी हमारे पास फोर्सेस के आंसर आ गए, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। अब आप देखें मिनिमम आंसर क्या आया 25, क्या इसकी रेंज हमारे पास ऑप्शन में है 25, नहीं वो इसकी रेंज में नहीं है, इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं आएगी। उसके बाद यहां पे देखें आप 95 आया, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है 95, तो यहां पे कितना है 100, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा। जब हमने पैरेलल रखा या एंटी पैरेलल रखा तो 20 या 100 आ रहा था, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं आया, वो रेंज में नहीं लाई करा, लेकिन जब हमने ये वाली वैल्यू निकाली तो 69.9 न्यूटन आ गई, जो उसकी रेंज में है और वो हमारे पास ऑप्शन बी है, वो ही हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारे पास आंसर आया 70 न्यूटन, ये इज द बेस्ट ऑप्शन, ये इसकी रेंज में लाए कर, ये इस वजह से आप इसको बताएंगे कि ये आंसर आपका ठीक है। तो इसके बाद हम एक दो और एग्जांपल्स करेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपनी एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा इस पूरे चैप्टर टू की, तो इंशाल्लाह उसमें हम फिर इसको एक दो दफा दो तीन और एग्जांपल्स देखेंगे। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।